चैत्र नवरात्र बसंती पर्व का प्रमुख पर्व है। वैसे वर्ष में चार नवरात्र होते हैं, दो गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ नवरात्र और माघ नवरात्र, और एक कुवार नवरात्र होता है जिसमें भीड़ अत्यधिक रहती है। चैत्र नवरात्र जिसको बसंती पर्व कहा जाता है, जो बसंत पर्व के अवसर पर मनाया जाता है, यह नौ दिवस तक चलता है। नौ दिवस में माता जी के नौ विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। आराधक जो है वो अपनी मनोकामना हेतु पूजा आराधना करते हैं, साथ में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं ताकि माता जी उनकी जो भी समस्या है और जो भी उनकी कष्ट है उनको दूर करें और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए अभी जो श्रृंगार होता है वो तो माता जी का राशि श्रृंगार नवमी की तिथि को होता है। अभी जो है माता जी का जो नौ दिवस का दिव्य स्वरूप जो है प्रतिदिन आपको देखने को और पुण्य दर्शन पुण्य लाभ को प्राप्त होता ही है। नवरात्रि के नवमी के तिथि के दिन राशि श्रृंगार होता है जो भव्य स्वरूप में होता है। माता जी का उस दिन का जो श्रृंगार होता है वह दिव्य और अलौकिक होता है, जिसको देखने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, अगर आप श्रद्धा आस्था और भक्ति के साथ आप मांगते हैं। मनोकामना ज्योति कलश पूरे विश्व में सर्वाधिक माँ महानंदा मंदिर में प्रज्वलित होती है। इस नवरात्र में 27,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित हो रही है, जिसमें देश विदेश के अनेक गणमान्य और राजनयिक नेता और विभिन्न पदों से जुड़े बड़े पदों से जुड़े लोगों का और जन सामान्य का सभी का ज्योति कलश प्रज्वलित हो रहा है। साथ में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने के एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो लोग अपने घरों में नियम विधि पूर्वक नहीं कर पाते वे मंदिरों में इसलिए कराते हैं ताकि उनका ज्योति कलश अखंड रहे नौ दिवस तक और माता जी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। विश्व में सर्वाधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होने वाली महामाया मंदिर में ही वह एकमात्र स्थल है।